विलुप्त होते पशु पक्षियों के अस्तित्व के लिए राष्ट्र चिंतित है और इनकी मौत सरकार को छकछोर देती है, परंतु विलुप्त होते आदिम जनजाति समूह के किसी सदस्य की मौत सरकार को संवेदित तक नहीं करती। यह मौत सिर्फ सन्नाटे से ही नहीं गुजरता बल्कि उसके कारणों को भी झुठलाने की कोशिश बराबर होती है। 17 सितंबर 2011 हजारीबाग जिला में रत्नी बिहोर की मौत हो गई। रत्नी हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के तिरला गांव के टंडा बिहोर टोला की रहने वाली थी। इस मामले की जांच के लिए गठित तथ्यान्वेषी दल के सदस्य सह झारखंड माइंस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव इलियास अंसारी का कहना है कि रत्नी की मौत भूख से हुई है और इस मौत के लिए सरकार पूरी तरह से जवाबदेह है। रत्नी देवी की मौत भूख से हुई है और हम लोगों ने जब उस गांव में गए पता कि वहाँ के और बिरोर समाज के जितने लोग थे उससे हम लोगों ने जब पता किया कि यहाँ पे रत्नी देवी की मौत कैसी हुई तो वहाँ के गांव वाले लोग और उस परिवार के लोग खुद बताए नहीं था अनाज नहीं था जिसके कारण वो भूख से मर गया। जबकि सरकारी तंत्र रत्नी की मौत के कारण पर पर्दा डाल रही है और उसका कहना है कि रत्नी की मौत बीमारी से हुई है। फिर हम लोगों ने पता किया कि रत्नी देवी के जो सरकार द्वारा जो जो सुविधा दिया जाता है क्या वो मिलता है तो वहाँ के लोगों ने उसका बड़े लड़के परेज और उसकी बेटी बासंती और टिटनी बिरोर ये सारे लोग बताए कि उस यहाँ पे सरकार 4 महीनों में यहाँ पे अनाज बांटती है। रत्नी के परिवार को अंत्योदय योजना से अनाज मिलती थी परंतु 3-4 महीने के अंतराल में वह उपलब्ध होता था। अब सवाल है कि क्या 3 महीना बाद कोई भोजन करेगा? हमारे बात खाना नहीं खाया, 2 दिन नहीं मिला था, हम घर में भी चावल वगैरह इसलिए थोड़ा सा महीना तो नहीं मिलता है, वही 4 महीना पर मिलता है। 4 महीना पहले मिल रहा था, उसके बाद रुक गया था, वही मरने के बाद आया 4 महीना का। रत्नी उस बिरहोर समुदाय की सदस्य है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित कर रखा है। अगर सरकार की भी माने तो रत्नी बीमार क्यों पड़ी? रत्नी के पास खाने के लिए अनाज ही होता तो वह क्यों गेठी कांदा और भीख पर अपना जीवन गुजारती? इसी को खा के रहते हैं सब, इस टेना गेठी पड़ पड़ के रहते थे। परिवार वालों का कहना है कि मूसलाधार बारिश ने उनका अंतिम खाद्य पदार्थ गेठी कांदा तक छीन लिया। पानी भी मार दिया था 2-4 दिन। गेठा इतने दिन कोड़ने गए थे एक बार जंगल, 2-3 दिन बारिश भी हुई जिसके कारण वो कहीं बाहर भी नहीं निकल पाई और ना ही उसके घर परिवार में, जिसके कारण उसके यहाँ खाने का कोई सामान नहीं था। ये प्रमाण करता है कि वो भूख से मरा है। इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, फिर भी उनका लाभ कितना मिलता है और किस तरह मिलता है यह एक अनुत्तरित प्रश्न है। ऐसे में बीमारी से भी मौत होती है तो वह भूख से जनित बीमारी भी होगी और उसकी जवाबदेही से सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का जॉब कार्ड भी रत्नी के पास था। कानून के अनुसार वह काम भी बराबर मांगने गए लेकिन काम नहीं मिला। सिर्फ रत्नी ही नहीं वहाँ के कई कार्डधारी भी इसी बात को कहते हैं। हम तो काम करने के लिए हम लोग तो बहुत चाह रहे हैं लेकिन मिलवे नहीं कर रहा काम। मनरेगा की योजना में यहाँ सड़क बनी परंतु सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क यह मैं नहीं जानता। टंडा बिरहोर टोला में बिरसा आवास योजना भी पहुंची लेकिन किस तरह पहुंची और उसका लाभ कितनों को मिला यह देखिए। ऐसे में तो अभिजात्य वर्ग अपने पालतू जानवर भी नहीं रखते, बीमारी क्यों नहीं होगी? क्या इसके लिए पदाधिकारी जवाबदेह नहीं है? ये योजनाएं और रत्नी की मौत
कई सवालों को समेटे हुए है, जिससे सरकार मुंह चुरा रही है। सरकार अगर इसी तरह आदिम जनजाति का विकास करती रही तो आने वाले दिनों में जिन जानवरों की हिफाजत की बात वह करती है वे नहीं बचेंगे, क्योंकि भूख की आग कुछ भी नहीं देखता और उससे कुछ भी नहीं बचता।